हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए डिजिटल पेमेंट की लॉन्चिंग करी है, उसका नाम है ई रूपी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ई रूपी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे क्यों लॉन्च किया है और ये डिजिटल करेंसी से किस तरीके से अलग है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ज्ञान अड्डा में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूं। ज्ञान अड्डा की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही मैं डेली एक मिनट का रोज़ करंट अफेयर अपडेट करती हूँ, आप उन्हें भी देखिए, उनसे भी आप लाभान्वित होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ई रूपी क्या है? ई रूपी एक तरीके का कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है और इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के ही आधार पर इसका डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार किया गया हुआ है। इसमें आपको SMS और एक QR कोड के रूप में बेनिफिशरीज को प्राप्त होता है। साथ ही ये एक तरीके का गिफ्ट वाउचर के जैसा है। गिफ्ट वाउचर जिसमें कि बिना किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी मोबाइल एप्लीकेशन या बिना इंटरनेट बैंकिंग के किसी खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर ही रिडीम किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। साथ ही ये सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक होगा। ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले बेनिफिशियरीज को और सर्विसेज प्रोवाइडर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। तो दूसरा सवाल है कि किस तरीके से इशू होंगे ये सारे वाउचर्स। इस सिस्टम को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी इसे बैंक जारी करेगा। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर से की जाएगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा और सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर भी किया जाएगा। ई रूपी के फायदे क्या क्या हैं? देखिए, अमेरिका में एजुकेशन वाउचर या स्कूल वाउचर का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। ये सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। अमेरिका के अलावा स्कूल वाउचर सिस्टम कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में उपलब्ध है। तो इसी प्रोग्राम को, इसी स्कीम को, इसी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी को भारत में भी लॉन्च किया है। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा बेनिफिशियरीज को। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, TB उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयां और खाद सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉई वेलफेयर और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती है। डिजिटल करेंसी से ये किस तरीके से अलग है ई रूपी? केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक RBI की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आंकलन किया जा सकेगा। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ई रूपी के लिए ऑर्डर लाइन एसेट का काम करेगी। ई रूपी की जो विशेषताएं हैं वो इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती हैं और ये एक तरीके से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है।
इसीलिए ये डिजिटल करेंसी से बिल्कुल भिन्न है। ये सारे सोर्सेस एक्सप्रेस इंडियन से मैंने लिए हैं। ज्ञान अड्डा पे बने रहें, ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब करें, चैनल के बगल में ही बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।